अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान न्यूज वन। नाजरीन आपको ले चलते हैं मीनारे पाकिस्तान पे 21 अप्रैल वाला जलसा। नाजरीन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि न्यू आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह खान की हुकूमत थी नहीं, आप कह रहे ना कि गुजर गई है, ऊपर कहां आज भी हमारे दिलों का मिल रहा हमारा इंशाल्लाह। अमेरिका का जो यार है सरदार है गद्दार है, अमेरिका का जो यार है सरदार है गद्दार है, अमेरिका का जो हामी है हराम है हरामी है, अमेरिका का जो हामी है हरामी है हरामी है। सच हो गई है, चोर कट्ठे हो गए हैं। बारह कुत्ते एक शेर, सुभान अल्लाह का नाम दुबई का। ये बताएं कि खान साहब के बयान में आप कहते हैं पूरे होते हैं, खान साहब ने तो ये भी कहा कि हुकूमत ज्यादा देर ये चलेगी नहीं। इंशाल्लाह नहीं चलेगी, ईद के बाद खत्म होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये अमेरिकी गुलाम है, इन्हें कभी से नहीं गुलाम है इंशाल्लाह। ये अमेरिकी गुलाम है, अमेरिका के पैसे से हुकूमत चलती है, हम चलने नहीं देंगे। सबसे बड़ी गद्दार सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी हमारे लिए कभी अदालतें खुली है रात को 12 बजे चोरों की जमानत है, चोरों को पैसे के लिए हमला है। अमेरिका की अदालत गिरता है रात को 12 बजे अदालत खुलती है। 75 साल की आज बताए हमें किसी ने खोली अदालत हमारे लिए, हमारी अदालत खुलती है। ये अमेरिका की अदालतें हैं, अमेरिका की है, ये पैसा देते हैं अमेरिका के लिए, अदालतें खुलती है रात को 12 बजे। झंडा करेंगे इनको डॉलर देंगे तो पाकिस्तान के शहरी है, ये भी शहरी है, ये भी शहरी है। जज्बाती क्यों ना हो भाई, ईमानदार बंदे को आपने खुली अदालत बताए, हमारा लीडर इमरान खान चोर डाकू है, ये जो शरीफ राशन है, ये चोर है, ये डाकू है, पाकिस्तान की आवाम के चोर है। हम ना मंजूर ना चीफ जैसे झूठा आयन का तहफ़ कर रहा है। ये देखे रात के 12 बजे दादे खोलता है हमारे खिलाफ, कभी हम गरीबों की आवाज सुनिए इस तरह कार का मारा बिना, कभी सुनिए किसी की आवाज इसने नहीं सुनी। गरीब इंसान है लेकिन उसे इंसाफ मर जाता है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। आज तो कत्ल केस कहां गया, वो उसको वो केस ही खेला दो रात हो गए और ये रात से आने का दे से उमर का बलियाल ने वो सबसे बड़ा बंदे आ रहे हैं आज आपके आपके खान साहब ने आपके लीडर ने बोला है कि मुझे बुरा कह लो, यानी इमरान खान को बुरा कह लो, फौज को बुरा नहीं कहना, अदारों को बुरा नहीं कहना, क्यों आप कह रहे हैं कि अदारे बिके हैं? अदारों को नहीं कहा, फौज को कहा है। यानी कि जो फैसला दिया वो आप सबके सामने है, 70% लोगों ने उसका फैसला रिजेक्ट किया है, मजबूर है अदालत का फैसला, 70% लोगों ने रिजेक्ट किया है। आप तो माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह हाथ पांव बांध के हरवाया गया है, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और कहा ये जा रहा है जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। ट्रेंड जो चला है ट्विटर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया में चला है, ये सिर्फ फेक है, ट्रेंड चलाया गया है, क्या मसला है? फेक होता तो चलता ही ना, ये ट्रेंड रियल ही है, हकीकी है, इसीलिए चल रहा है। हम कोई
काऊ माल नहीं है जो बिरयानी की प्लेट में वोट दे। हम अपने जमीर हमारे जमीर जाते और हम इमरान खान के साथ है अपने जैसे इंशाल्लाह। आपने ट्विटर की बात की है उसके मैं जवाब देता चलूं। कल 10,000 लोग जो है ट्विटर पे स्पेस पे बात कर रहे हैं। ये कार्ड टूट गया, ये कौन है? इसी ये जो है सपोर्टर्स हैं। बूढ़े ये क्या बूढ़े यार? ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और हकीकी सपोर्टर्स ट्विटर पे 10,00,000 लोग हैं। इसका मतलब है 10,00,000 खानदानों के लोग हैं। 10,00,000 खानदान का मतलब है कि पाकिस्तान के साथ 10 करोड़ आवाम जो सिर्फ सोशल मीडिया पे इमरान खान का साथ दे रही है। और मैं आपको ये बात बताता चलूं, इमरान खान ने सिर्फ इजाकनाबुदाई नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह का उसने नारा लगाया है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। इमरान तेरे जान दसो। बेशुमार बेशुमार। इमरान तेरे जान दसो। बेशुमार बेशुमार। लोगों का रश, लोगों का जज्बा, लोगों का जुनून और लोगों का यहाँ पर एक बड़ी तादाद में आना ही इमरान खान को ये इशारा दीजिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि भाई आप कह रहे दारों के बारे में ना बोले, हम गरीबों पर कोई FIR दर्ज हो, हमें सरकारी मुलाजमत नहीं मिलती। ये चोर, ये लटेरे वज़ीरे आज़म, वज़ीरे आला, वज़ीरे खारजा बने फिरते, उसी दिन ही फर्द जुर्म इन पे आई दोनों दिन, उसी दिन ये हलफ उठा रहे। ये कौन सा कानून है? ये भी हमें बताया जे कासिम साहब सूरी ने, कासिम साहब सूरी ने यही आर्टिकल की वजह से अदलात का रूलिंग मुसर्द कर दी थी। ये हमें इस बात का जवाब दिया थे, ये कौन सा इंसाफ है? हम अदालतों से इंसाफ मांगते हैं, हमें मिलता नहीं। और ये चोरों को भी नहीं देंगे। अच्छा DGI SPR किस लिए कहते हैं कि आवाम जो उनको जो कुछ है ठीक है वो इलिटरेट है? DGI SPR ने किस लिए